सिर्फ 30 मिनट के अंदर दोस्तों आप वॉच टाइम 60,000 मिनट्स का कंप्लीट कर सकते हैं फेसबुक का। तो आप कैसे करेंगे, आज मैं ऐसा सीक्रेट टिप्स देने वाला हूं भाई कि आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताया होगा। वो कैसा सीक्रेट टिप्स है, वो भी मोबाइल के द्वारा लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को थोड़ा भी स्किप आप करना नहीं तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको मेरा क्या है, फेसबुक दिखाई दे रहा है। अब इसका वॉच टाइम हमको कंप्लीट करना है किसी भी पेज का। सबसे पहले हमको किस पेज का वॉच टाइम कंप्लीट करना है, उस पेज को हम एक बार ओपन करेंगे। तो ओपन कहां करेंगे उस पेज को, उस पेज को भैया हम इस एप्लीकेशन के द्वारा नहीं ओपन करेंगे, ठीक है। ये जो आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है इसके द्वारा हम ओपन नहीं करेंगे, उसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा, ठीक है। तो क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा, यहां पर आपको क्या सर्च करना होगा, मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट ओपन करेंगे और यहां पर अपने पेज को ओपन कर लेंगे। इतना काम आपको कर देना है और एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, उस एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट पहुंचो वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो यहां पर आपको उस एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को क्या कर लेते हैं, ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको RTMP लाइव पे क्लिक कर लेना है। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना होगा दोस्तों, लाइव के द्वारा वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर। ज्यादा से ज्यादा एक घंटा लग जाएगा लेकिन वॉच टाइम आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा एक और चीज आपको बताने वाला हूं जो इंटरेस्टिंग है, वो आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग वीडियो छोड़ करके चले जाएंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, वीडियो को अभी से लाइक कर दो, नहीं तो आप लोग जाते हो भूल, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोट भी ऑन कर लो ताकि हमारे वीडियोज का आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब जिस वीडियो को आपको लाइव करना है, यानी कि आप लाइव करना चाहते हैं बिग बॉस या लाइव करना चाहते हैं किसी भी सीरियल वगैरह को, ठीक है। तो बाय द वे हम मान लेते हैं, अब सीरियल कहां डाउनलोड करेंगे, आप सीरियल कहां डाउनलोड करेंगे इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये सब चीजें अलाउड नहीं होती हैं इसलिए हम आपको बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होगा, यहां पर जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, यहां पर आपको जूम करके हम दिखाते हैं, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गो लाइव का, यहां पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर देख सकते हैं एक गो लाइव वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा, अब यहां पर एक छोटा सा गो लाइव का दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिएगा यहां पर, ठीक है। यहां पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। यहां से जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पर जैसे ध्यान देते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। शायद आप ये चीज कभी नहीं किए होंगे तो आज आप देख लीजिए, वो भी मोबाइल के द्वारा, ठीक है। कंप्यूटराइज सिस्टम पे तो हर कोई कर सकता है लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त हर किसी के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैं मोबाइल से आपको बताना चाहूंगा। अब यहां पर दोस्तों आपको एक कैमरा वाला ऑप्शन है, एक स्ट्रीम की सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां पर स्टीम के सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर लेना है। यहां पर दोस्तों आपको स्टीम की एक दिख जाएगी और यहां पर एक एडवांस सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर आपको एक URL सर्वर भी मिल जाएगा, ठीक है, इन दो चीजों का आपका काम है। और यहां पर आपको एक ऑडियंस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा, यहां पर आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके पहले आपको यहां पर बताना चाहूंगा इस एप्लीकेशन में, यहां पर आपको वीडियोस को कहां से आप लाइव करना चाहते हैं, यहां से फ्रॉम लिंक वीडियो है और फ्रॉम वीडियो है और यहां पर कैमरा है, ठीक है। तो यहां पर इतनी चीजें आपको दिखाई दे रही, तो यहां पर क्या कर देना है दोस्तों, आपको थोड़ा बैक होना है। अब वीडियो के माध्यम से हम करना चाहते हैं तो कोई भी वीडियो आप पहले डाउनलोड करेंगे अपने गैलरी में, ठीक है, तो आप गैलरी से वीडियो को ले लीजिएगा। यहां पर जैसे क्लिक करते हैं यहां पर अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देना है, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहां पर बाय द वे हम इस वीडियो को क्या करना चाहते हैं, लाइव, यहां से इस वीडियो को हमने ले लिया। अब इस वीडियो को लेने के बाद में यहां पर है स्ट्रीम URL, ठीक है। तो स्ट्रीम URL भैया आपको यहां पर मैंने बताया हुआ था, ठीक है,
यहां पर आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, यहां पर आपको क्या कर देना है, स्टीम यूआरएल को कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहां पर स्टीम की पहले कॉपी कर लेते हैं, यहां पर क्या कर लिया, स्टीम की को कॉपी कर लिया, अब यहां पर चलते हैं, ठीक है। तो स्टीम की को यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, हम पेस्ट कर देंगे, यहां पर पेस्ट कर दिया। अब स्टीम यूआरएल बचा है, तो यहां पर दोस्तों हमको सर्वर यूआरएल का ऑप्शन दिख जाएगा, इसको क्या कर लेंगे, यहां पर पेस्ट कर देंगे। इतना हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद में यहां पर एक लूप का ऑप्शन दिखाई दे रहा, अगर नो लूप पे कर देंगे तो ये आपका लाइव जो है रेगुलर चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। अगर टाइमिंग सिलेक्ट कर देंगे तो उतनी बार चलेगा, ठीक है। तो यहां पर इसको हम क्या कर देंगे, पहले वन टाइम पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। वन टाइम पर क्लिक कर लिए, फिर उसके बाद में आपको यहीं पर चले जाना है। अब यहां पर मेन चीज है दोस्तों, आपके वीडियोज पर कभी भी कॉपीराइट आ सकता है, कभी भी आपके वीडियोज पर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको देखना होगा नोटिफिकेशन को, ठीक है, लाइव करने के बाद में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ऑडियंस पे सिलेक्ट करना है, और ऑडियंस पर सिलेक्ट करने के बाद में आपको पब्लिक पे क्लिक कर देना है यहां पर, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, अलाउ लोकेशन, आप चाहें तो किस किस लोकेशन को अलाउ कर रहे हैं वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप रेस्ट्रिक्ट लोकेशन कौन कौन सी करना चाहते हैं, यानी आप लोकेशन कौन सी ब्लॉक करना चाहते हैं, आपके लिए लोकेशन ब्लॉक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिस टाइप का आपका वीडियोज है उस टाइप के जितने भी आपके सर्वर हैं उनको ब्लॉक करना होगा, उन जगहों को आपको ब्लॉक करना होगा, यानी कि उनके हेड ऑफिस जहां जहां पर है आपको ब्लॉक करना होगा। अधिकतर आप चाहें तो मुंबई या दिल्ली को कर सकते हैं, ज्यादा बेटर है, ठीक है। नवी मुंबई और आपको दिल्ली कर लेना है। आप चाहें तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा लिस्ट दे दूंगा, जिन जिन चीजों को आपको ब्लॉक करना है, यानी कि कौन कौन से स्टेट को ब्लॉक करना है, उन चीजों को आप ब्लॉक कर सकते हैं। यहां पर ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यहां पर देखिएगा, क्लिक करते हैं तो यहां पर ऑप्शन आ जाता है, बाय द वे हम दिल्ली करना चाहते हैं, यहां पर क्या कर देंगे, दिल्ली क्लिक कर दिए, यहां पर दिल्ली का ऑप्शन आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, उसके बाद में आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। इतना सेव करने के बाद में आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत यहां पर नहीं है, इतना आपका काम हो गया। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर थोड़ा बैक होना, यहां पर आपको लाइव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहां पर आप जैसे लाइव पर क्लिक करेंगे, यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, वो आप ध्यान से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों हमारा लाइव होना क्या है, स्टार्ट हो गया, यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहां पर क्या है, ये गोल गोल घूम रहा है अभी, दिखाई यहां पर भी देगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं प्लेइंग करके आया है, यहां पर देख सकते हैं अब जो हमारा लाइव है स्टेटस क्या है, स्ट्रीम, और यहां पर टाइमिंग भी दिखा रहा है, कस्टम लाइव, ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक करना है, जैसे यहां पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर आपको वीडियोस के माध्यम से यहां पर क्या करना है, आपको अपने टाइटल के बारे में कुछ भी लिख लेना, बाद में मैं लिख देता हूं अपना नाम राम लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर भी राम लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या कर देता हूं, सेव कर देता हूं, इतना मैंने क्या कर दिया दोस्तों, सेव कर दिया। अब इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इतना करने के बाद में दोस्तों यहां पर आपका लाइव, इधर आपका लाइव जो है चालू हो गया, यहां पर जैसे ही आपका लाइव चालू होगा यहां पर आपका ऑप्शन जो है यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यहां से आपको क्या कर देना दोस्तों, जब आप चाहेंगे तो यहीं से आप बंद कर सकते हैं, यहीं से, ठीक है। उसके बाद में आप अपने अगर फेसबुक में जाते हैं, फेसबुक अगर ओपन करते हैं तो फेसबुक में आपके लाइव चलता हुआ यहां पर दिखाई दे जाएगा, जो आपका पेज होगा दिखाई दे जाएगा, और आपको देखते रहना है। आपका लाइव जैसे इंड होगा तो आपका वॉच टाइम आप देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और वॉच टाइम देखने के लिए आपको मेटा बिजनेस स्विच पे ही देख सकते हैं, वरना 24 घंटे बाद अपडेट होता है तभी आप देख पाएंगे। लेकिन एक रिस्की वर्क है, आपका वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट होता है लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी पेज पे आ जाती है, तो आपके पास प्रॉब्लम आ भी सकती है और प्रॉब्लम नहीं भी आ सकती। तो इस तरीके से आप वॉच टाइम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं समझ पाए हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे 10 बजे रात में लाइव आता हूँ, मेरे से आकर के बात कर सकते हैं, कुछ भी अगर पूछना रह गया तो पूछ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।